हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू एंड दिस इज डॉक्टर विपन गोयल। सो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक यूनाइटेड नेशंस के बारे में। हम देखेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन है वो किस तरीके से बना और आगे इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से प्रोसेस चलते गए और कैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो बना, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस और सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी के लिए काम करता है, तो आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। और जैसे कि आपको थंबनेल दिख गया होगा कि हाँ, इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा एक तरह का शॉर्ट क्रैश कोर्स है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो मैं इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। ऑलरेडी मैंने पेड कोर्सेज के अंदर अपने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, मैं आपको अपने पेड कोर्सेज की थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ, फिर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो दो मेरे पेड कोर्सेज आते हैं स्टडी आईक्यू के ऊपर। तो स्टडी आईक्यू क्या करना है, आपको स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो उसके अंदर मेरे दो कोर्सेज हैं, तो फर्स्ट वन इज द जीएस कोर्स। जीएस कोर्स जो है आपको, इसके अंदर हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और ये जो कोर्स है आपको स्टडी आईक्यू ऐप के ऊपर मिलेगा। एंड इसके अंदर एक कूपन कोड है जो मेरे नाम पे है VIP 500, इसको लगा के आप डिस्काउंट ले सकते हैं। दूसरा मेरा कोर्स है आपका 10,000 एमसीक्यू का कोर्स। इसके अंदर मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के 10,000 एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूं। डेली मैं दो वीडियोस ऐड करता हूं इसके अंदर, और आने वाले टाइम में तो और भी ऐड होंगी, ठीक है, दो तीन चार भी हो सकती हैं, बट अभी हम फिलहाल दो वीडियोस ऐड कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और आप इस कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर परचेज कैसे करना है, स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको ऐसे एक बेस्ट सेलिंग कोर्सेज नजर आएंगे। तो बेस्ट सेलिंग कोर्स में आपको क्लिक करना है व्यू ऑल के ऊपर, तो उसमें आपको नजर आएगा मेरा कोर्स जीएस कोर्स बाय डॉक्टर विपन गोयल, जिसके अंदर आप परचेज कर सकते हैं और मेरा कूपन कोड यूज करके डिस्काउंट ले सकते हैं। और ये आएगा दूसरे तीसरे नंबर पर आपको नजर, और एंड में नजर आएगा आपको, बिल्कुल एंड में नजर आएगा 10,000 एमसीक्यू का कोर्स, जिसके अंदर हमने डिफरेंट सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और अगेन आप इस कोर्स को भी परचेज कर सकते हो, और 10,000 एमसीक्यू कोर्स जो है EMI के भी ऊपर अवेलेबल है, तो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे स्टडी आईक्यू ऐप के ऊपर, परचेज कर सकते हैं और अच्छे से आप पढ़ना है, और बहुत डिटेल में हमने उसको डिस्कस किया गया है, और आने वाले एग्जाम जितने भी आपके हैं उसमें आपको हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए जी, अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक दैट इज यूनाइटेड नेशन। अब हम यूनाइटेड नेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे नॉर्मल हम बात करते हैं, क्योंकि मैं प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा कि कैसे बना। 1945 में यूनाइटेड नेशन बना है, लेकिन हम यूनाइटेड नेशन 1945 से पहले की अगर हम बात करते हैं तो हमारी दो वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी। दो वर्ल्ड वॉर में हमारा यूनाइटेड नेशन का ही एक, बिल्कुल सेम जैसे यूनाइटेड नेशन काम करती है, ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। अब ये क्या है, कैसे है, वो हम डिस्कस करेंगे, और अगेन हम यूनाइटेड नेशन की तरफ चलेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी, पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 में ये युद्ध जो है, लड़ाई जो है, ये खत्म हो चुकी थी। और इसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम है, संधि साइन होती है, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। अब ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस जब साइन होगी तो इसके अंदर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनके आती है आगे, जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन। बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है लीग ऑफ नेशन, जो 1920 में बनती है, और इसका जो उद्देश्य है वो पूरी की पूरी अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, सुरक्षा बनाना है। जैसे कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में अगर देखा जाए, इसमें बहुत सारे देश थे, इन्वॉल्व थे, ऑब्वियसली बात है सबको पूरा घाटा हुआ। वो घाटा क्यों हुआ, क्योंकि लड़ाई से क्या हुआ कि जितने भी आपके डिफेंस था वो खत्म हुआ, लोग खत्म हुए, पैसा खत्म हुआ, बहुत सारी चीजें नुकसान देखने को मिला, इसी कारण लीग ऑफ नेशन बना 1920 के अंदर, ठीक है। अब लीग ऑफ नेशन तो बन गया, अब बात यह है कि यहीं पर जब आपका 1990 में हुआ था, इसी टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट आपको पता होना चाहिए, क्लियर। अब बात ये है कि जब ये लीग ऑफ नेशन बना 1920 में, क्लियर, लीग ऑफ नेशन का जो उद्देश्य था, अगेन आपका अंतरराष्ट्रीय शांति और सिक्योरिटी बनाना इनका मेन उद्देश्य था। डिफरेंट कंट्रीज इसके अंदर ऐड होते गए, लेकिन बाद में क्या है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जर्मनी और इटली, इनका उदय देखने को मिला, पावर्स देखने को मिली, जिसके कारण जो है ये शक्तियाँ बिगड़ गई, और एट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने को आपको मिली। अब बात क्या हुई थी, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ कब, 1939 के अंदर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में
सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है आपका 1939 से लेके 1945 के बीच में। अब बात ये है कि इस टाइम पे जब युद्ध चल रहा है, पूरे के पूरे देश जो हैं, पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है और बड़ी बड़ी शक्तियां इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अब बात ये है जैसे 1939 आगे बढ़ा, 1941 के अंदर एक अटलांटिक चार्टर आता है। अटलांटिक चार्टर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अटलांटिक चार्टर, ठीक है। तो ये अटलांटिक चार्टर जो है इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, अगेन ह्यूमैनिटी के लिए काम करना, पूरे देश पूरी सुरक्षा बना के रखना लोगों के लिए। अब इस एग्रीमेंट को जो अटलांटिक चार्टर है इसको जो है आपका इस चीज को जो है आर्टिकुलेट किसने किया, दो लोगों ने आर्टिकुलेट किया, जो कौन थे, यूएस के प्रेसिडेंट जिनका नाम था एफडी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, और दूसरे पर्सन थे दैट इज विंस्टन चर्चिल। अब विंस्टन चर्चिल दूसरे पर्सन थे जो ब्रिटिश से थे। अब ये दोनों लोगों ने मिलकर काम किया और अटलांटिक चार्टर जो है 1941 में आपका आया। अब अटलांटिक चार्टर जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमैनिटी के लिए था, अब ह्यूमैनिटी के लिए काम करते 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 एट द एंड जब चार्टर साइन हुआ तो एट द एंड जो है आपका यूनाइटेड नेशन डेक्लरेशन सामने आई। अब ये यूनाइटेड नेशन डेक्लरेशन जो है 1940 में सामने आई, लेकिन इसका जो मेन उद्देश्य था, पहला मेन उद्देश्य ये था कि हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीतना है। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीतेंगे तो दूसरा मेन उद्देश्य इनका क्या आया, बाद में जाकर उद्देश्य बना कि नहीं हम वॉर को ही एंड करना है, हमने अंतरराष्ट्रीय शांति बनानी है, ये इनका मेन उद्देश्य था। अब अगर हम बात करते हैं, चलो जी यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन हो गया, अब अगर हम बात करें जब लड़ाई होगी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है तो ऑब्वियसली बात है दो लोगों के बीच में लड़ाई होगी। अब ये दो लोगों के बीच में दो कंट्रीज थी, दो मतलब नेशन बने हुए थे, दो पावर्स डिवाइडेड थी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज द अलाइड पावर। अब अलाइड पावर में जो है बहुत सारे जो मेजर कंट्रीज थी जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, पोलैंड, सोवियत यूनियन, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस, तो दीज वर द मेन अलाइड पावर्स। तो उसके अलावा दूसरी तरफ कौन था, एक्सिस पावर थे। अब एक्सिस पावर में कौन था, दैट इज नाजी जर्मनी, जापान और इटली। अब ये दोनों जो होते हैं ये सामने आते हैं और ये दोनों जब आपका अटलांटिक चार्टर साइन होता है ये क्या सोचते हैं कि जो अलाइड पावर्स होती हैं ये सोचती हैं कि हम इन एक्सिस पावर को खत्म करना है। एक्सिस पावर को खत्म क्यों करना है, क्योंकि इनका ही बोलबाला चल रहा है, यही लड़ाई को फैला रहे हैं, इसी कारण जो है हम इस लड़ाई को खत्म करेंगे, ठीक है। जिसके अंदर तीन बिग प्लेयर थे, वो तीन बिग प्लेयर कौन थे जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि यूएस बहुत बड़ा प्लेयर था, और उसके बाद जो है विंस्टन चर्चिल जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, ये बहुत बड़े प्लेयर थे, और रशिया जो है बहुत बड़ा प्लेयर था उस टाइम पे, जहां पे जो स्टालिन के अंडर था, ठीक है। तो ये तीन बिग प्लेयर थे जो आपके 1939 से 1945 की वॉर के बीच में थे, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ये थे जो बड़े बड़े बिग प्लेयर थे। बट बाद में एक कॉन्फ्रेंस होती है अगस्त 1944 के अंदर, और इस कॉन्फ्रेंस का जो नाम है वो क्या है, इट्स डंबरटन ओ कॉन्फ्रेंस, ये होती है आपकी। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बोला जाता है कि जो आपका ये तीन तो पावर्स थी यानी कि यूएसए, यूके, यूएसएसआर, और इनके साथ जो है चाइना भी इन्वॉल्व हुआ, और इन्होंने जो है फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति बनानी है और हमने इस लड़ाई को खत्म करना है। तो अब एक्चुअली क्या हुआ कि जब 1944 के अंदर ये एग्रीमेंट जो है कॉन्फ्रेंस में होता है, और 26 जून 1945 को, ध्यान से डेट्स इंपॉर्टेंट है, 26 जून 1945 को ये सोच लेते हैं कि अब जो है हमारा चार्टर जो है यूनाइटेड नेशन का वो सामने आता है। 26 जून 1945 को चार्टर सामने आया, और ये चार्टर कहाँ पे आया, एक कॉन्फ्रेंस के अंदर। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हो रही थी, सैन फ्रांसिस्को के अंदर हो रही थी। अब इसके अंदर जो है 51 कंट्रीज इन्वॉल्व थी, यानी कि पहला जो एग्रीमेंट साइन हुआ था इनका 51 कंट्रीज के साथ साइन हुआ था, और 51st जो कंट्री थी, 51 कंट्री जो थी वो थी पोलैंड, जो लास्ट में जिसने साइन किए थे। 51st कंट्री क्या थी, पोलैंड थी, जिसने लास्ट में साइन किए थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात यह है कि चलो चार्टर आ गया, लेकिन चार्टर तो 26 जून को आया, लेकिन ये जो चार्टर है लागू कब किया गया, ये लागू हुआ कब, 24 अक्टूबर
1945 को। इसीलिए हम 24 अक्टूबर को क्या कहते हैं, यूएन डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपका यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड संयुक्त जो है आपका संयुक्त राज्य है और संयुक्त नेशंस हैं, 24 अक्टूबर 1945 को आया यूएन डे। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब बात यह है कि अब हम बात करेंगे कि चलो यूनाइटेड नेशन तो बन गया, ठीक है, इस तरीके से बना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सब कुछ डिस्कस करते करते हम आगे चले गए। अब बात यह है, जो ये यूनाइटेड नेशन का नाम है, इस यूनाइटेड नेशन का जो नाम है ये किसने दिया, ये किसने दिया, यूएस के प्रेसिडेंट एफ डी रूजवेल्ट ने दिया। किसने? एफ डी रूजवेल्ट ने दिया। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, अगेन एफ डी रूजवेल्ट ने ये नाम दिया आपको यूनाइटेड नेशन का। अब बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि इनके जो मेंबर्स कंट्रीज कितनी हैं, 193 मेंबर हैं, 193। अब जो लास्ट में कंट्री ऐड हुई थी, दैट इज साउथ सूडान। साउथ सूडान वॉज द लास्ट कंट्री जो आपकी 193 कंट्री बनी थी। और नेक्स्ट है इसके हेडक्वार्टर्स। सो देखिए जी, बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल बिल्डिंग है एक, ये है मैनहट्टन आइलैंड ऑफ न्यूयॉर्क। ये मैनहट्टन आइलैंड है न्यूयॉर्क के अंदर, और बहुत सारे इनके रीजनल ऑफिसेज भी हैं, जिनेवा, वियना, नैरोबी, जगह जगह के ऊपर इनके डिफरेंट डिफरेंट हेडक्वार्टर्स हैं, बट मेन हेडक्वार्टर इज इन द मैनहट्टन आइलैंड ऑफ न्यूयॉर्क। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। अब अगर हम बात करें कि इसको बनाया किसने था, इस यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग को बनाया किसने था, इनके बहुत बड़े आर्किटेक्ट, और आर्किटेक्ट का नाम पूछ लेते हैं, आर्किटेक्ट है वैलेस हैरिसन ने जो है इसका निर्माण किया। तो वैलेस हैरिसन जो है इनके आर्किटेक्ट थे यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग के, सुपर इंपॉर्टेंट। नाउ इज द फ्लैग। अब देखिए फ्लैग जो है हमारा यूनाइटेड नेशन का, अब आप देखेंगे कि ब्लूइश कलर में नजर आ रहा होगा। इस फ्लैग को पहले तो अक्टूबर 1947 में इसको जो है हमने अडॉप्ट किया। इसके अंदर आप देखेंगे दो जो हैं ये लीव्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दो लीव्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन फ्लैग के अंदर, दो लीव्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो हैं ऑलिव, दो ऑलिव ब्रांचेस हैं, ऑलिव ब्रांचेस हैं जिसे आप जैतून कहते हैं, वो हमेशा ऊपर ऊपर की तरफ ओपन हो रही हैं, और बीच में जो है वर्ल्ड मैप दिया गया है, और पीछे आपका लाइट ब्लू बैकग्राउंड है। दिस इज फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब हम बात करते हैं हमारी जो यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब ऑफिशियल लैंग्वेजेस में अगर मैं बात करूं तो हमारी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो इन्होंने अडॉप्ट करी हुई हैं यूनाइटेड नेशन ने। अब ये 6 लैंग्वेजेस कौन सी हैं वो आपको बताना चाहिए, एक शॉर्टकट याद कर लो, फ्रेस्का, ये मेरा शॉर्टकट है जो मैं, जिससे मुझे याद रहता है। फ्रेस्का इज, एफ इज फ्रेंच, आर इज रशियन, ई इज इंग्लिश, एस इज स्पेनिश, एंड सी इज चाइनीज, एंड ए इज अरेबिक। तो ये 6 लैंग्वेजेस जो हैं आपकी यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब जो इनमें से लास्ट में जो ऐड करी गई थी वो अरबी भाषा, यानी कि अरेबिक लैंग्वेज वॉज एडेड लास्ट, जो हमारे पूरे के पूरे इस जो है यूएन के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इनकी, अगर मैं बात करता हूं कि ऑफिशियल लैंग्वेज तो आपको पता लगी, इनकी वर्किंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं, इनकी वर्किंग लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश और फ्रेंच। इनकी इंग्लिश और फ्रेंच जो है दे आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये है आपकी इंग्लिश की, आपकी इंग्लिश और फ्रेंच जो है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है इन्होंने, मतलब वर्किंग लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश और फ्रेंच। अब अगर हम बात करें कि इनके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, यूनाइटेड नेशन बना और पहले लीग ऑफ नेशन बना, लीग ऑफ नेशन का जो उद्देश्य था वो इसका है क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस, और दूसरा सिक्योरिटी, और एक है हमने जितने भी नेशंस हैं उनके साथ हमने फ्रेंडली रिलेशन बनाना, दोस्त भाईचारा बना के रखना, और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना, उनकी डिग्निटी के लिए काम करना, उनकी फ्रीडम के लिए काम करना, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी सोसाइटी के अंदर, सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम, ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो यूनाइटेड नेशन आपको सामने आएगा। और जितना भी आप जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर अगर हम बात करें प्रमोशन की, लाइक फॉर एग्जांपल सोशल एडवांसमेंट, यानी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करो, जैसे आपका HD इंडेक्स होता है, ठीक है, GI इंडेक्स होता है, बहुत सारे इंडेक्सेज होते हैं, वो हमें बताते हैं कि तुम क्या हो। ये यूनाइटेड नेशन की जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज है ना वो बनाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं HD इंडेक्स की बात करता हूं,
तो ये बनाता है आपका UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इससे आपको पता लगता है कि आपके देश की हालत कैसी है। और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स अगेन UNDP बनाता है, ये बताता है कि मेल फीमेल में कितना भेदभाव है। तो सोशल एडवांसमेंट करना भी जो है आपका किसका उद्देश्य हो गया, यूनाइटेड नेशन का उद्देश्य हो गया। अब इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज भी ये संभालता है। अगर किसी देश के अंदर कोई आर्थिक तंगी चल रही हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही हो, तो अगेन यूनाइटेड नेशन आगे आता है और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। ठीक है, तो ये थे आज हमारे जो लेक्चर के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। आज जितना भी हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा, ठीक है, जितना भी हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा, तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर एक क्वेश्चन लिख के बताना है। दो क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं। और नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, वो हमारी होगी ऑर्गन्स की। मैं आपको बता दूं जो हम कर लेंगे, ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं इसके अंदर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो आपने आंसर बताना है, आर्किटेक्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन बिल्डिंग, जो आपके मैनहट्टन आइलैंड न्यूयॉर्क के अंदर है, उनके आर्किटेक्ट कौन थे। दूसरा क्वेश्चन लिखिए कि ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और मुझे पता लगेगा कि यहां पे जो है आपने पढ़ा है, ये पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ा है। द सेकंड क्वेश्चन इज द वर्किंग लैंग्वेजेस ऑफ यूएन। सो दीज आर द टू क्वेश्चन जो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं। और इसके अलावा भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम पे मैं डेली क्विज डालता हूं, तो वहां पे आप अटेम्प्ट कीजिए और ये मुझे क्वेश्चन दोनों के आंसर जो है कमेंट सेक्शन में एज वेल एज इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दीज आर माई डिफरेंट आईडीज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहां पे फॉलो कर सकते हैं आप मुझे। और जीमेल आईडी का लिंक नीचे है, आप कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं। एंड इस लेक्चर्स, जो भी मेरे करंट अफेयर्स के लेक्चर आते हैं और सुबह 4 बजे या डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस आती हैं, मैं सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर देता हूं डॉक्टर विपन गोयल के नाम से। तो यहां पे आपको फॉलो कर लेना है और सारी इंफॉर्मेशन यहां पे आपको मिल जाती है। सो थैंक यू सो मच गाइस, और आज दोपहर में हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी हमारा पॉलिटी का लेक्चर होगा। और कल तो सुबह 9 बजे अगेन हम मिलेंगे इसके पार्ट 2 के अंदर, यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स क्या हैं। सो थैंक यू सो मच, और मैं इन दोनों के आंसर पहले बताऊंगा आपको कि कौन से इसके आंसर हैं और हम आगे बढ़ेंगे। सो गुड लक गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।